देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कन्नौज में भाजपा प्रत्याशी असीम अरुण ने अपना नामांकन किया। उन्होंने सादगी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर दो प्रस्तावकों के साथ नामांकन किया है। पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी बोले कि चुनाव का मुख्य मुद्दा कानून व्यवस्था है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि क्षेत्र की जनता भाजपा का साथ देगी। जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे पूर्व आईपीएस ने कहा कि चुनाव प्रतियोगी होना चाहिए, इसमें लड़ाई या हिंसा की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। कन्नौज की सदर सुरक्षित सीट से भाजपा ने असीम अरुण को प्रत्याशी बनाया है। वहीं आईपीएस की नौकरी छोड़ राजनीति में उतरे हैं और भाजपा में अपनी आस्था जताते हुए शीर्ष नेतृत्व के सामने कन्नौज के लिए दावेदारी पेश की थी। कन्नौज से जिला संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कितने सेट में नामांकन किया, कौन कौन प्रस्तावक रहे? जी नमस्कार, मैंने अपना नामांकन आज दाखिल किया है विधानसभा कन्नौज सदर सीट के लिए। मेरे साथ में श्री रामशंकर लोधी जी मेरे प्रस्तावक हैं और शरद जी मेरे सहयोगी अधिवक्ता, और हमने एक सेट में अपना नामांकन दाखिल किया है और इसके आगे अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है। आगे हम और जो निर्देश हैं इलेक्शन कमीशन के आचार संहिता का पूरा पालन करेंगे और चाहेंगे कि चुनाव बहुत ही प्रतियोगिता की भावना के साथ हो, कोई लड़ाई की भावना के साथ ना हो, और जो जीते सब मिल करके एक अच्छे प्रजातंत्र में लोकतंत्र के अनुसार मिल के काम करेंगे। सिटिंग विधायक से पिटीशन है तो किन मुद्दों के लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? दो मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था और विकास का। कानून व्यवस्था और विकास पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 5 साल में और ये सब लोग के सामने है। दूसरा, मैं एक प्रत्याशी के रूप में जिन आदर्शों के लिए खड़ा होता हूँ उनको लेकर के मैं सबके सामने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि राजनीति में ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ अच्छी पद्धति के साथ मैं आया हूँ और मेरे जैसे और भी साथी मुझे विश्वास है कि भविष्य में आएंगे, और मैं जिन आदर्शों के लिए खड़ा हूँ उस पर अडिग रहूँगा और राजनीति को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। सर, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन का आदेश है कि भीड़ भाड़ नहीं करती, जो कि जनसभा पर रोक है, तो ऑनलाइन आप लोग किस प्रकार से स्ट्रेटजी अपना रहे हैं और जनता के बीच में अपनी जो बातें हैं उन तक पहुंचा रहे हैं, जिससे जनता आपको सपोर्ट कर रही है? जितना इलेक्शन कमीशन के नियम और सरकार के नियम अलाउ करते हैं उसी के दायरे में रहते हुए हम लोग अपना घर घर प्रचार और बहुत छोटी मीटिंगें ऐसी कर रहे हैं जितना नियम ने अलाउ किया। इसके साथ साथ सोशल मीडिया का, मीडिया के माध्यम से भी हम लोग रीच आउट करने का प्रयास कर रहे हैं, और सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण आजकल है लेकिन ग्रामीण अंचल में इसकी सीमित रीच है। तो सोशल मीडिया का और ज़मीन पर जा कर के घर घर द्वार द्वार प्रचार प्रसार का संतुलन हमने बनाया है, दोनों ही क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। कौन सा प्रमुख मुद्दा है आपके लिए? प्रमुख मुद्दे जैसे मैंने बताया, सबसे पहला मुद्दा है अच्छी कानून व्यवस्था और दूसरा मुद्दा है विकास। इन दोनों मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ कोई भी वोटर अपने कैंडिडेट की तुलना करता है तो मैं जिन आदर्शों के लिए राजनीति में आया हूँ उसकी तुलना मुझे विश्वास है हमारे सभी नागरिक, हमारे सभी वोटर भी करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि जिन आदर्शों पर मैं हूँ उस पर काम करते हुए स्वच्छ राजनीति, ईमानदार राजनीति का मैं एक रास्ता अपने ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।